वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स दोस्तों, है ना। आप लोग जब कोई वैकेंसी आती है, देखिए दो प्रश्न होते हैं। पहला कि उसका सिलेबस क्या होगा, क्या मैं उसके एलिजिबिलिटी क्या होगी, है ना। फिर जो इन सब क्वेश्चंस के जब आप फॉर्म भर चुके होते हैं तो समझते हैं यार कि ये सैलरी इसकी कितनी है ना, इस वैकेंसी की सैलरी कितनी है। 29,200 लिखा होता ग्रेड, ये सब क्या है, उसी पर मैं बात करूंगा। तो जुड़ जाए मैथ फॉर ईयर्स से, चैनल से भी जुड़ जाए, क्योंकि आपको सबसे सटीक यही अपडेट मिलने वाली है। तो सैलरी को समझते हैं, सैलरी आप बनाना भी दोस्तों मेरे साथ सीख सकते हैं। मैं कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके सैलरी निकाली जाती है। वहां जो लिखा हुआ है ठीक है, वो ऑफिशियल लेवल लिखा होता है, लेवल 5 का है लेवल, सॉरी ग्रेड वेतन जो होता है, पे स्केल होता है ठीक है, वो 5 है। और ग्रेड पे जो है आपका 2800 ग्रेड पे की जॉब है ठीक है। मेरे सामने स्लाइड खुली हुई तो मैं उसी में देख रहा हूं और वहीं से पूरा कैलकुलेट कर देता हूं। 29,200 रुपए बेसिक पे है ठीक, बात को समझ गया। अब बेसिक पे आपका 29,200 है और उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो एक अलग भत्ता मिलता है सेंट्रल में, हर जगह मिलता है, राज्य में भी मिलता है, डीए जिसको बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस जिसको बोलते हैं भाई साहब, महंगाई भत्ता ठीक है। तो महंगाई भत्ता इस समय प्रेजेंट टाइम सरकार ने बढ़ाकर कर दिया 38%। तो उस हिसाब से ये सब चीजें दोस्तों कैलकुलेट होती है बेसिक पेपर। तो आपकी अगली चीज इंक्लूड हुई 11,096 रुपए डीए के रूप में ठीक है। उसके बाद अगली बात आती है दोस्तों एचआरए, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ये भत्ते हैं सेंट्रल के भत्ते, उससे ही उसकी सैलरी इतनी अच्छी बनती, नहीं तो सैलरी बेसिक तो नॉर्मल ही होती है। चाहे आप 2800 ग्रेड पे की यूपी में कोई जॉब ले लें, चाहे सेंट्रल में ले लें, है ना। तो 7,884 रुपए बनेंगे एचआरए के। एचआरए प्रेजेंट टाइम 9, 18, 27% चल रहा ठीक है। 27% दोस्तों होता है एक्स सिटीज में, 18% वाई सिटीज में और 9% होता है जेड सिटीज में। ये वेरी करती है। एक्स सिटीज क्या होता है ये भी मैं बताता चलता हूँ। जो बड़े बड़ी सिटीज हैं, जैसे आपकी दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बंगलोर हो गई, जितनी बड़ी बड़ी ये एक्स में आ जाती है। उससे जो नीचे है, जैसे कानपुर हो गई, लखनऊ हो गई, ये सभी वाई सिटीज में आ जाती है दोस्तों। अब बात कर लेता हूं मैं टीए के रूप में। तो ये जो मैंने कैलकुलेट की थी एचआरए, ये 27% मानकर किया, तो इससे 18% हो जाएगा और 9% हो जाएगा। आप फिर वो पोस्टिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन ये मिनिस्ट्री डिफेंस की है तो लगभग मेरा मानना है कि सभी एक्स और वाई में ही रहेगी, जेड में कोई आपको नहीं मिलने वाला। तो सैलरी में बहुत बड़ा फर्क नहीं देखने को मिलेगा ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीए की ट्रेवल अलाउंस। इस ये आपको मिलता है 3600 रुपए ठीक है। 3600 रुपए दोस्तों मिलता है, जो बड़ी सिटीज होती है तो 3600 रुपए ही आप लोगों को मिलेगा। इसमें एक और भत्ता मिलता है टीए ओनली। देख रहे हैं कि मोदी सरकार डेली प्लेटफॉर्म टिकट महंगी कर रहे हैं कि रेलवे किराया बदल, तो किराए पर भी महंगाई भत्ता मिलता है। टीए आपका 3600 रुपए, 3600 पर भी डीए लगता है 38%, वो आपका दोस्तों निकल कर आएगा 1368 रुपए टीए ओन डीए ठीक भाई साहब। तो बनकर हो गए ये इतने भत्ते हो गए, बेसिक मिल गया, डीए मिल गया, डियरनेस अलाउंस, एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, और टीए हो गया ट्रेवल अलाउंस, और हो गया टीए ऑन टीए। और एक दोस्तों सुविधा मिलती है सीजीएचएस की, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। वो भी हर एक जो सेंट्रल की एम्प्लॉय होती है, वो एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, जिसमें आपका इलाज मुफ्त में होता है। वो कार्ड बनता है हेल्थ कार्ड, और उसके माध्यम से सीजीएचएस की सुविधा मिलती है ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, अब आपका इन सभी का अगर ग्रांड टोटल करेंगे दोस्तों तो निकल कर आता है 53,148 रुपए ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी हैंडसम सैलरी जिसको बोलते हैं। इतना ग्रेड पे अगर यूपी में आप प्राइमरी टीचर हैं, मैं आपको बता दूं सच्चाई, यूपी में यदि आप प्राइमरी टीचर हैं तो उनका वेतन है 50,000 रुपए, जबकि ग्रेड पे आपसे अच्छा है 4200 ग्रेड पे है। आपकी जो 4200 ग्रेड पे की जॉब होगी वो तो भाई साहब फिर 65-63 के आसपास उसका वेतन बनेगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है अलाउंसेस और उसमें। अभी राज्य में तो 34% ही हुआ है ना। तो ये चीजें रहती हैं, तो इसलिए जॉब बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी मैंने, और आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के अंतर्गत है ना, असिस्टेंट मटेरियल की। तो ये चीजें, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से है ना सैलरी निकलती है, किस तरीके से मिलती है। तो जुड़ जाए मैथ फॉर ईयर्स के साथ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।